नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे हेल्दी फूड जो आपको जिंदगी भर जवान रखेंगे, अंदर से चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। आप 50 साल की उम्र में भी 20 साल जितनी अंदर ताकत पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं और उसके रिजल्ट इतने बेहतरीन होने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो और जमकर शेयर कर दो। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, जो मैं आपके साथ आज फूड शेयर करने वाली हूँ उसे सुपर फूड भी कहा जाता है, उसे सुपर फूड कहना गलत नहीं होगा। और इन फूड्स का जिक्र आयुर्वेद में भी है और साइंस भी मान चुकी है, ठीक है, कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और 100 से ज्यादा बीमारियों को ये दूर कर सकते हैं। लेकिन इन सुपर फूड्स को कितनी क्वांटिटी में खाना है, किस समय खाना है, भिगोकर खाना है या जो भी इसके तौर तरीके हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। मैं आपके साथ 4 चीजें शेयर करने वाली हूं, जिसमें से पहला फूड है बादाम। यस, बादाम जो होता है वो न्यूट्रिएंट का पावर माना जाता है। बादाम में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और खासकर सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिससे आपके बाल, आपके नेल्स, आपके थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहता है। बादाम में विटामिन ई का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है और विटामिन ई आपके स्किन को सॉफ्ट और बेदाग बनाता है। विटामिन ई आंखों की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बादाम खाने से आपके दांत, हड्डियां स्ट्रांग बनती है, आपका दिमाग तेज होता है, यहां तक कि वेट लॉस करने में भी मदद करता है क्योंकि बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड शुगर को कम करने में भी मदद करता है। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि बादाम में हजारों फायदे होते हैं, लेकिन कौन सा बादाम? हम बात कर रहे हैं देसी बादाम के बारे में, जैसे गुरबंदी बादाम, ममगिरी बादाम। ये बादाम कैलिफोर्निया बादाम के मुकाबले छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये कई बड़े ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एक्चुअली कैलिफोर्निया बादाम के कंपैरिजन में छोटे बादाम में ज्यादा ऑयल होता है, वो ज्यादा ऑयल पाया जाता है और इसी ऑयल में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हार्ट, ब्रेन, स्किन और हेयर बोन्स सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि देसी बादाम गिरी ही लें, किसी भी पंसारी या फिर किसी भी आपको नॉर्मल जो आपके आसपास का ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है अंजीर। अंजीर वैसे तो डार्क पर्पल कलर का फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, लेकिन हम जनरली उसे ड्राई फॉर्म में ही यूज करते हैं। दोस्तों, अंजीर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो अंजीर को आपको जरूर खाना चाहिए। स्टडी में पता चला है कि अंजीर खाने से आंतों में जो मल चिपका होता है वो जल्दी से पेट से साफ हो जाता है। अंजीर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और सेक्सुअल स्टेमिना को भी इंक्रीज करती है। वहीं महिलाओं में ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ओवुलेशन साइकिल को रेगुलेट करती है और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है। स्किन के लिए अंजीर बहुत बड़ी कारगर साबित हुई है। अंजीर एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देते। स्किन पर अगर कोई भी इंफ्लेमेशन है या आप एजिंग को डिले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अंजीर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अंजीर एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, फिर चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो या लिवर को ठीक करना हो या फिर जॉइंट पेन से आपको राहत दिलाना हो या बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करना हो, ये सबके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सुपर फूड है अखरोट। अखरोट की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह दिखता है, ये शायद कुदरत का ही एक संकेत है क्योंकि ना सिर्फ आयुर्वेद में इसकी महिमा है बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि अखरोट ब्रेन के लिए सुपर फूड है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये किसी भी वेजिटेरियन फूड के मुकाबले काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी को ये शार्प करता है, ब्रेन के संतुलन को बनाए रखता है, ब्रेन के सेल्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भूलने की समस्याएं हैं, वो सारी प्रॉब्लम दूर होती है। हेल्दी फैट का सबसे बेस्ट सोर्स है। ये आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ ये आपके खून को साफ करता है, हार्ट अटैक के चांसेस भी इससे कम होते हैं। दोस्तों, इसका एक और ज्यादा बेनिफिट है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अखरोट होता है वो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स जो बनते हैं उनको ये मारने में मदद करता है। लेकिन कितने अखरोट हम एक दिन में खाने हैं उसकी हम बात आगे करेंगे। फाइनली हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट आखिरी सुपर फूड है, वो है किशमिश। अंगूरों को जब सुखा दिया जाता है तो किशमिश बन जाती है, नेचुरली स्वीट है लेकिन इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए खाने को अच्छे से पचाती है। शरीर में अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है तो ये आपको एनर्जी देती है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो आप महंगे महंगे कैप्सूल्स खाने की जगह आप एक बार किशमिश खाना शुरू करें। ये स्टडी में भी पाया गया है कि अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स ड्रिंक भी इसके आगे फेल हो गए हैं। किशमिश जिन लोगों के ब्लड प्रेशर को बड़ा रहता है उसको लो करती है, घबराहट कम होती है, चक्कर कम आते हैं और साथ ही साथ आपके शरीर में खून की कमी को दूर करती है क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है और ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का एक नेचुरल रेमेडी है। दोस्तों, अगर आप किशमिश का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो ये आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी दूर करती है
है और आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को, आपकी मसूड़ों को, जो भी समस्या है उनको भी साथ में दूर करती है। अब बात करते हैं किसको कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरीके से लेना है। रात को सोने से पहले एक कटोरी में 4 बादाम, वही छोटी देसी गिरी लेनी है। उसके बाद एक अखरोट को भी डालना है, पानी में भिगो कर रख देना है। फिर आपको एक और कटोरी लेनी है, उसमें 2 अंजीर और 4 दाने किशमिश के डालने हैं। इस दूसरी कटोरी में बस उतना ही पानी डाले जितना कि वो भीग जाए। अब हमने बादाम और अखरोट को एक कटोरी में भिगाया था और किशमिश को अलग एक कटोरी में भिगाया था। इसका कारण ये है कि अखरोट और बादाम जिस पानी में भिगोए जाते हैं उसे यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली बादाम और अखरोट और बाकी नट्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फैटी एसिड, जो भिगोने से निकल जाते हैं। वहीं जो मेवे होते हैं जैसे अंजीर और किशमिश, इनका पानी आपको जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि इसके पानी में ताकत होती है। कुछ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऐड हो जाते हैं जैसे कि अंजीर और किशमिश, तो इसके पानी को कभी भी आपने फेंकना नहीं है। सुबह उठकर आपने बादाम को छील लेना है और अखरोट को चबा लेना है। उसके बाद आपने जो किशमिश और अंजीर भिगोई थी उसको भी आपने अच्छे से चबा कर खाना है और उसका पानी जो है वो पी लेना है। दोस्तों बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश ये इतना पावरफुल सप्लीमेंट है जो महंगे महंगे मल्टीविटामिन्स भी नहीं कर सकते। ये आपकी नसें जो ब्लॉक हो गई हैं उनको खोलता है, आपके शरीर को फौलाद बनाता है। जो आपके शरीर की कमजोरी है, खून की कमी है या चेहरा जो आपका बहुत ज्यादा डल हो गया है वो खिल उठेगा। मेरी मानिए, आज से इसको शुरू कर दीजिए और बाकी जिंदगी के सारी मल्टीविटामिन्स को भूल जाइए और 1 महीने बाद अपना रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।